15 दिनों तक सिर्फ मैश खिलाना है और कुछ नहीं। 16 दिनों से जो खिलाना है वो मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें लगेगा आटा। धान से चावल निकालने के बाद जो छिलका रहता है वो लगेगा। आई डोंट नो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिन्हें पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चावल पकाने के बाद जो पानी निकलता है वो भी लगेगा। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं। फिर एक बर्तन में ये तीनों चीज़ मिक्स कर लेंगे। जितना आटा लेंगे उससे आधा या आधा से थोड़ा ज़्यादा ये धान का छिलका ले सकते हैं। फिर हम चावल का पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा नरम नहीं करना है, ऐसे ही दे सकते हैं। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके देने से खाना वेस्ट नहीं होगा, पूरा खा लेगा। दिन में 2 बार आप ये दे सकते हैं, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। दोपहर को आप ये देख सकते हैं, इससे डक्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अंदर में जो रहता है वही देना है, बाहर वाला नहीं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप दोपहर को मैश भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर ये हो तो मैश की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसपास अगर कोई नदी हो तो आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। मैंने यही खिलाया है डक्स को और आप देख सकते हैं कि मेरे डक्स कितने जल्दी बड़े हो गए थे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए।